ये देख सकते हैं, और अभी भी टेंट ये सब लगा रहे हैं। और ये देख सकते हो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ नारायणपुर। तो जी हाँ गाइस, नारायणपुर में मेला की तैयारी किस तरह से हो रही है और वहाँ पर कितने सारे सर्कस आए हैं और कौन कौन से आए हैं और वहाँ पर सर्कस कंप्लीट बने हैं या नहीं बने हैं और कितना एरिया में वहाँ पर मेला लगने वाला है, कितने सारे दुकान आए हैं, ये आज की शूट में आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो गाइस आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है, और अभी मैं बीच रास्ते पर हूँ तो अभी हम जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को बताने ही भूल गया कि नारायणपुर मेला कब होने वाला है, आप लोगों को आगे इस वीडियो में पता चलेगा बीच में। तो गाइस मैं एक ऐसे रास्ता से जो ना नारायणपुर जा रहा हूँ जिधर से जाने से यहाँ किसकान साइड से जो ना कम ही पड़ता है, मतलब एक्चुअल में जो ना 70 से 75 किलोमीटर पड़ता है। और गाइस एक है कोंडागांव साइड से और एक है परसगांव साइड से जाने का, और अगर हम कोंडागांव साइड से जाएँ ना तो 99 किलोमीटर ऐसे कुछ पड़ता है, और परसगांव साइड से जाएँ तो 87 ऐसे कुछ। तो इस वाले रास्ता से मुझे मतलब इजी पड़ता है। तो लेकिन गाइस इस वाले रास्ते में थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। तो गाइस ये जो आप रोड देख रहे हैं ये जो ना धनोरा रोड है, तो इससे सीधा जो ना धनोरा जाते हैं और इससे आगे अंतागढ़ साइड जाते हैं, आई डोंट नो लेकिन अंतागढ़ साइड जाते हैं इतना पता है। इसी साइड से भी बीच से ही हमको राइट साइड जाना है, तो उस रास्ते को भी दिखाऊंगा आगे। तो गाइस सामने है रोड जो ना हमको राइट जाना है, सामने जा रहा है कमांडर। तो यहाँ से ये कौन सा रोड है, शायद बोर्ड मेंशन किया हो। तो गाइस हमको सिलाटी होते हुए जाना है, ये सिलाटी रोड है। गाइस एक बात आप लोगों को बताऊं, और सिलाटी बाबा का तो नाम सुना ही होंगे आप लोग, तो वो वाला सिलाटी नहीं है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग नारायणपुर आना चाहते हो ना, तो मैं ये रास्ता मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ना ये रास्ता बहुत ही खराब ही है। एक्चुअल में आराम से आ सकते हैं इस रास्ते से, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छा रास्ता चाहिए तो आप लोग कोंडागांव साइड से जा सकते हो। तो नारायणपुर पहुँच गया हूँ, और ये जो ना पता नहीं जिस साइड से आया हूँ मैं उसी साइड का ये रोड है, कई ऑप्शन है जाने का, तो जहाँ पर मेला लगता है उसी साइड चलते हैं। तो ये वाला मैं पहली बार आ रहा हूँ, बिकॉज जो ना कोंडागांव साइड से आ रहा था पहले, तो उस साइड का रूट पता है, तो ये वाला मुझे रोड पता नहीं है कि ये किधर लेता है। तो गाइस मैं जो ना जिस साइड मेला लगता है उस साइड पहुंचने ही वाला हूँ। सामने वो जो दिख रहा है मेरे को दुकान वगैरह सब लगा रहे हैं जैसा लग रहा है मेरे को, तो ओ भाई साहब मैं पहुंच गया उस जगह पे जहाँ पर मेला लगा हुआ है। इस साइड जो ना पुलिस का बिकेट लगे हुए हैं, ये देखो इस साइड सामने तक ही है, और ए भाई साहब इतना सारे दुकान आ गए हैं ना भाई। तो गाइस आप लोगों को मैं बता दूं मेला कितना दिन बाकी है यहाँ पर मेला होने को। तो गाइस आप लोगों को बता दूं ये जो ना यहाँ पर 15 फरवरी को मेला होने वाला है। तो देखो बहुत सारे दुकान आ गए हैं, लगभग सारे दुकान आए हैं। तो अभी जो ना दुकान सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी भी टाइम है, आज जो ना 13 फरवरी है तो अभी भी 2 दिन का टाइम है। और इस साइड आए हुए हैं ब्रेक डांस और आकाश झूला, तो चलो सामने तक जाके दिखाते हैं भाई साहब आप लोगों को कि कितना दूर तक ये वाला लगा हुआ है। साइड पूरा किनारे किनारे मिठाई वाले हैं, तो ये वाला गली हम आप लोगों को दिखाते हैं भाई। बहुत सारे दुकान आए हैं, और ये देखो इस साइड भी दुकान, लगभग तैयारी चल ही रही है पूरी। देखो दुकान सेटअप कर रहे हैं इस साइड, इधर भी इस साइड। भाई इतना ज़्यादा लगता है ना यहाँ का मेला, ये तो विश्व प्रसिद्ध मेला है गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा। ये देखो इस साइड, और ये जो ना सामने हाईवे तक है तो उस साइड भी लेके चलते हैं, और अंदर में बहुत सारे गलियां बन रही हैं भाई। विश्व प्रसिद्ध मेला है ना, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता रहा हूँ। तो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो इस बार भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ये जो ना हाईवे तक लगा हुआ है सामने, और बस ये यहीं तक है, उसी गली को ले चलते हैं पहले। तो इधर सेटअप वगैरह सब कर रहे हैं भाई, इधर से हम चल सकते हैं, इधर से हम आराम से जा सकते हैं पहले। तो ये देखो इधर भी लग रहा है, और ये मार्केट एरिया है शायद, सामने तक बहुत बड़ा मेला लगता है आप सभी लोगों को पता ही होगा। और इस साइड चलते हैं जहाँ पर स्टेज है उस साइड लेके चलते हैं, जहाँ पर स्टेज वगैरह सब तो बना रहे ही होंगे। और ये देखो इस साइड तैयारी चल रही है, बांस वगैरह सब ला रहे हैं दुकान सेटअप करने के लिए, बहुत सारे बांस लाए हुए गाइस, सेटअप कर ही रहे हैं। इस साइड बनने वाला है स्टेज, बोले तो मंच, नाइट को कार्यक्रम ये सब यहीं होगा, ये देख सकते हैं। और अभी भी टेंट ये सब लगा रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ना बल्गी बांधे हुए बांस का, तो ये और मजबूती से बांधे जाएंगे,
तो इस साइड भी लगाए हुए हैं दुकान, ये सब इधर भी लगने वाला है दुकान, पूरा सेटअप में लगे हैं गाइस। इतना बिजी होंगे ना दुकान सेटअप करने में, क्या ही बोलें। इधर टेंट बांध रहे हैं, इस साइड भी सामान वगैरह सब आ चुका है लग रहा है। इन लोगों का जितना भी मेला में सामान दुकान वगैरह सब लगा रहे हैं ना सभी लोगों का, ये यहीं तक है। तो आगे हम आप लोग अंदर से लेके चलते हैं। पहले तो ये देखो बहुत सारी गलियां हैं जो ऐसे मेला के दिन कवर करना मुश्किल ही है। तो ये पूरा बीच वाला है और सामने भी है, तो सीधा आप लोगों को ले चलेंगे गाइस सर्कस एरिया की साइड। इस साइड होटल है शायद, आई थिंक लग रहा है। ये देखो इधर भी पूरा सेटअप, ये देखो इस साइड खाना वगैरह सब खा रहे हैं। तो एक सामने है सर्कस वाला एरिया, इस साइड भी है। तो चलो इस साइड से चल के दिखाते हैं आप लोगों को। देख रहे हैं ना गाइस इतना ज़्यादा ना, क्या ही बोले, मेला लगेगा तब और खतरनाक वाला मज़ा आने वाला है। अभी पता नहीं चल रहा है कौन सा दुकान को, मतलब कौन सा जगह पे कौन सा दुकान लगने वाला है, बिकॉज जो ना सामान ये सब डाले हुए हैं लेकिन बंद कर दिए हैं दुकान को पहले। तो गाइस ये है सर्कस एरिया, तो इस साइड बना रहे हैं सेटअप कर ही रहे हैं भाई साहब। इस साइड है ड्रैगन ट्रेन और सामने है मौत कुआं और ये टोकरा डांस है शायद सामने का। तो बहुत सारे सर्कस आए हैं इस बार भी और फिट ये सब कर ही रहे हैं भाई। इधर है एक आकाश झूला, मैंने पहले भी दिखाया था, और उस साइड है ब्रेक डांस। तो ये सब तो सेटअप कर ही रहे हैं, मतलब दो दिन में कंप्लीट कर ही देंगे आई थिंक लगता है, या तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है कई लोगों का, रात दिन काम करेंगे तभी कंप्लीट कर पाएंगे दो दिन में। और ये इस साइड है और ये शायद क्राफ्ट बाज़ार है आई थिंक लग रहा है देख के, तो यहाँ पर क्राफ्ट मार्केट लगने वाला है। तो गाइस ये है पूरा सर्कस एरिया, जैसे कि देख सकते हैं इस साइड शायद जो ना क्राफ्ट बाज़ार लगने वाला है, और इस साइड पूरा जो ना सर्कस ये सब की तैयारी हो रही है, और ये जो ना साइड टोकरा टोकरा डांस वाला है सर्कस है, और सामने जो ना मौत कुआं बन रहा है। और ये भाई लोग पूरा सेटअप कर रहे हैं, पूछ के देखते हैं भाई कितने दिन से काम में लगे हुए हैं। भाई कितने दिन से कर रहे हो ये सब, कितना दिन से ये सब सेटअप कर रहे हो? आज ही, आज ही से। तो गाइस ये जो ना आज ही से इतना सारा सेटअप कर लिए हैं, और लगभग दो दिन बाकी है मेला होने में, तो लगभग ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलो हम इस साइड से जाके दिखाते हैं पहले। तो भाई साहब तो यहाँ से कुछ व्यू इस तरह से मिल रहा है दा इस साइड, ये देखो जा जा कुछ नहीं। इस साइड बन रहा है मौत कुआं भाई, इस साइड कितने खतरनाक तरीके से सेटअप कर रहे हैं पूरा मौत कुआं। पूरा कंप्लीट बनेगा ना तब अच्छा से दिखेगा। सामने है आकाश झूला और उसके साइड में जो ना ब्रेक डांस है। तो गाइस पीछे साइड देख सकते हो कुछ इस तरह से झोपड़ी टाइप के बना के रहते हैं सर्कस सेटअप करने वाले, और यहीं पर खाना वगैरह खाते हैं, और बाद में पूरा कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे मस्त जगह बच जाता है। तो चलो आप लोगों को ले चलते हैं आकाश झूला साइड। पहले तो सामने का व्यू आकाश झूला का, और इस साइड भाई ड्रैगन ट्रेन वाले मस्त सो गए हैं पूरा कंप्लीट करके। ये देखो इस साइड, और थोड़ा बहुत सेटअप बाकी है, बाकी सब तो आई थिंक हो ही गया है। और इस साइड है पूरा आकाश झूला देख सकते हैं। ये देखो भाई लेट्स चढ़ते हम, क्या YouTube में डालेगा? हाँ कितने कहाँ से हो? हाँ कहाँ से हो? केसकाल से भाई, आधे से ज़्यादा केसकाल से भाई। कुछ इस तरह से ऊपर से लग रहा है, अभी जब पूरा सेटअप कंप्लीट होगा तो कुछ अलग तरह से नज़ारा मिलता है आप लोगों को पता ही होगा। ये देखो पूरा अभी पूरा खाली है, ऊपर का सीन
तो इस साइड है पूरा ब्रेक डांस, मस्त रह सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं भाई। इस साइड पूरा सेटअप चल रहा है सर्कस का। चल के छोड़िए लगभग पूरा ये जो ना बैठने का कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी पूरा नट ये सब नट बोल्ट टाइट करने बाकी है। यहाँ से हम आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। इस साइड है नगर पालिका, ये देखो हिल रहा है, हिल ही रहा है, ये तो अजीब सा लग रहा है हिलने से। तो गाइस इस साइड भी और कुछ सर्कस आने वाले हैं लग रहा है, मार्क कर दिए हैं इस साइड भी, देख सकते हैं। और इधर पता नहीं किसका किस सर्कस का है ये भी नहीं पता है। तो अब मैं आ गया हूँ जिस साइड जो ना अभी बहुत सारे दुकान सेटअप ये सब हो रहे हैं। ये देखो उस साइड बाइक पार्क कर दिया हूँ और इस साइड भी दुकान ये सब सेट हो रहे हैं और सेटअप कर ही रहे हैं। इधर भी सामने भी देख सकते हैं अभी बहुत सारे दुकान वाले आए हैं, लगभग सभी लोग आ गए हैं, लेकिन सेटअप सब सारे के सारे अनकम्प्लीट हैं। देखो ये वाला गली भी इस साइड। तो भाई साहब दो दिन तक यहाँ पर कंप्लीट होना ही चाहिए मेरे को लग रहा है, क्योंकि जो है 15 फरवरी से मेला स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल अपने अच्छा सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं अब सीधा नारायणपुर मेला में।